नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिवानी पांडे। नंबर वन न्यूज चैनल के नंबर वन शो कच्चा चिट्ठा में आपका बहुत स्वागत है। कच्चा चिट्ठा में आज आपको दिखाएंगे कयामत की घड़ी और उससे आ रही बार बार एक बहुत ही खतरनाक वार्निंग। डेंजर अलार्म ये है कि बाइडेन और पुतिन के सीक्रेट एजेंट्स के बीच एक डील फेल हो गई है और अब खतरा ये है कि यूक्रेन को लेकर एक बार फिर से जो परमाणु बम अभी तक छुपे हुए थे वो बहुत जल्द सामने लाए जा सकते हैं। इसमें यूक्रेन युद्ध का कितना खतरनाक रोल है, क्या आधी रात को धमाका तय है, न्यूक्लियर वॉर की टिक टिक क्या इशारा कर रही है, स्पेशल रिपोर्ट में आप देखिए। परमाणु युद्ध की टिक टिक काफी करीब पहुंच गई है। अब तक जिस परमाणु युद्ध की आशंका जाहिर की जा रही थी वो सिर्फ ख्याली नहीं है। न्यूक्लियर वॉर का दावा हवा हवाई नहीं है, अब तो कयामत की घड़ी ने भी खतरे का अलार्म बजा दिया है। कयामत की घड़ी के नए डाटा से पता चला है कि धरती परमाणु युद्ध के महाविनाश से कितनी दूर है। इस घड़ी की सुई अब तक के इतिहास में सर्वनाश के सबसे करीब पहुंच गई है। वैज्ञानिकों ने परमाणु युद्ध के खतरे का संकेत देने वाली कयामत की घड़ी यानी डूम्सडे क्लॉक की सुई को आधी रात 12 बजे के 100 सेकंड पीछे ला दिया है। ये सुई अब तक के 12 बजे के इतने करीब नहीं पहुंची थी। डूम्सडे क्लॉक के मुताबिक आधी रात होने में जितना कम वक्त रहेगा दुनिया परमाणु के खतरे के उतने ही करीब होगी। कयामत की घड़ी इशारा कर रही है दुनिया परमाणु युद्ध के काफी करीब। सिर्फ 100 सेकेंड यानी 2 मिनट से भी कम। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो दुनिया के खत्म होने के दिनों को गिनने वाली कयामत की घड़ी ने वार्निंग दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच दुनिया परमाणु युद्ध की तरफ तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ रही है। इसका आफ्टर इफेक्ट दुनिया के तमाम अखबारों में हेडलाइन के तौर पर दिखाई भी देने लगा है। पहले इसे देख लीजिए। न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, रूस के परमाणु हमले से बचने के लिए कीव में 425 शेल्टर बना लिए गए हैं। यूक्रेन के और बड़े शहरों में अभी और शेल्टर बनाए जा रहे हैं। दूसरी हेडलाइन और भी गौर करने वाली है, ये द गार्जियन की हेडलाइन है। इसमें मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, अमेरिका ने कथित तौर पर यूक्रेन में परमाणु जोखिम पर रूस के साथ बातचीत की। इसमें लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने कथित तौर पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगियों के साथ बातचीत की है। बातचीत का मकसद यूक्रेन युद्ध में परमाणु संघर्ष के जोखिम को कम करना था। इससे जुड़ी इस तीसरी हेडलाइन को भी पढ़ लीजिए। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की हेडलाइन है, व्हाइट हाउस के वरिष्ठ अधिकारी ने पुतिन के टॉप ऑफिसर्स के साथ एक गोपनीय मीटिंग की है। इसमें साफ साफ लिखा गया है कि अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने रूस के समकक्ष के साथ परमाणु खतरे पर गोपनीय चर्चा की है। सवाल है, क्या परमाणु युद्ध का टाइम काफी करीब आ गया है?
कीव में 425 न्यूक्लियर शेल्टर का बनना, अमेरिका के एनएसए का रूस से बातचीत और अब डूम्सडे क्लॉक की वार्निंग ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। बुलेटिन ऑफ एटॉमिक साइंटिस्ट्स ने एक चेतावनी से भरा लेख प्रकाशित किया है जिसकी हेडलाइन ही है नो वेयर टू हाइड, यानी छिपने के लिए कोई जगह नहीं। इसमें लिखा है कि कैसे परमाणु युद्ध करीब करीब दुनिया की पूरी आबादी की जान ले लेगा। इस लेख में संपादक फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन ने लिखा है, स्पष्ट रूप से यूक्रेन में युद्ध के साथ हम अभी भी चिंतित हैं कि दुनिया परमाणु युद्ध में सो सकती है। फ्रैंकोइस डियाज मॉरिन का इशारा साफ तौर पर कयामत की घड़ी की तरफ है जो 1947 से काम कर रही है। ये घड़ी बताती है कि दुनिया पर परमाणु हमले की आशंका कितनी अधिक है। इस बार सुई का कांटा 75 साल के इतिहास में सबसे अधिक खतरनाक मुकाम पर बताया गया है। 1953 में अमेरिका और रूस के शीत युद्ध के दौरान भी इसका कांटा आधी रात से 120 सेकंड दूर रखा गया था, लेकिन पहली बार घड़ी का कांटा 120 सेकंड से भी कम होकर 100 सेकंड पर पहुंच गया है। द बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के वैज्ञानिक रॉबर्ट रोजनर के मुताबिक 1949 में जब रूस ने पहला परमाणु बम RDX-1 का परीक्षण किया और दुनिया में परमाणु हथियारों की दौड़ शुरू हुई, उस वक्त आधी रात से 180 सेकंड का फासला था। परमाणु बम को बनाने की शुरुआत सबसे पहले अमेरिका ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान की थी। अमेरिका ने साल 1942 में परमाणु हथियार बनाने के लिए मैनहट्टन परियोजना की शुरुआत की थी, जिसमें तब $2 अरब का खर्च आया था, जो आज की तारीख में 2,00,000 करोड़ भारतीय रुपए के बराबर है। फिर रूस, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश एटॉमिक होड़ में शामिल हो गए। अगर दुनिया के परमाणु बमों की तादाद को ग्राफ के जरिए समझने की कोशिश करें तो साल 1945 में 2 एटम बम से बढ़कर साल 1985 में कोल्ड वॉर के आखिरी दौर में पूरी दुनिया में परमाणु हथियारों का जखीरा टॉप पर था। उस वक्त एटम बमों की तादाद 66,449 तक पहुंच गई थी। बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स द्वारा बनाए गए डेटा से पता चलता है कि 1986 के बाद से एटम बम कम होते गए हैं। फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट्स FAS के मुताबिक 1990 के दशक की तुलना में हाल के दिनों में परमाणु हथियारों को नष्ट करने की रफ्तार में कमी तो जरूर आई है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक दुनिया में अभी भी तकरीबन 13,900 परमाणु बम मौजूद हैं। हालांकि शीत युद्ध के बाद परमाणु हथियारों के जखीरे में कमी आई है, लेकिन आज भी दुनिया के कई देशों के पास हजारों की संख्या में ये हथियार मौजूद है। FAS यानी फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट के मुताबिक 3,600 एटमी हथियार मिसाइलों पर लगाए गए हैं और ये सैन्य बलों के नियंत्रण में है। इनमें से करीब 1,800 हथियार हाई अलर्ट मोड में हैं और शॉर्ट नोटिस पर हमले के लिए तैयार रहते हैं। रूस ने 1,600 हथियार मिसाइल पर तैनात कर रखे हैं। अमेरिका ने भी इतनी ही संख्या में हथियारों को तैनात कर रखा है। फ्रांस ने 280 और ब्रिटेन ने 120 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट ने अपनी 2022 के सालाना रिपोर्ट में आशंका जाहिर की है कि दुनिया में बढ़े तनाव के चलते परमाणु हथियारों के इस्तेमाल का जोखिम दशकों में सबसे अधिक बढ़ गया है। दुनिया में परमाणु हथियारों की तादाद बढ़ने की आशंका है। ऐसे में ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि फिलहाल दुनिया के कितने मोर्चों पर युद्ध को बढ़ाने वाला तनाव अपने चरम पर है। पहला परमाणु फ्रंट यूक्रेन युद्ध में खुल सकता है। पुतिन कई बार दुनिया को अपने पावरफुल परमाणु बमों की याद दिला चुके हैं। दूसरा न्यूक्लियर फ्रंट बाल्टिक देशों में मौजूद नेटो और रूस के बीच खुल सकता है, जहां न्यूक्लियर टेंशन बढ़ने की आशंका है। तीसरा मोर्चा उत्तर कोरिया के किम जोंग खोल सकते हैं, जिनकी परमाणु भूख लगातार बढ़ती चली जा रही है, जो दक्षिण कोरिया, जापान समेत अमेरिका तक के लिए परेशानी की बात साबित हो सकती है। चौथा परमाणु मोर्चा चीन खोल सकता है, क्योंकि परमाणु बम का बड़ा जखीरा रखने वाला चीन ताइवान को अपने नक्शे में मिलाने को आतुर है। चीन अगर ताइवान पर हमला करता है
तो नौबत परमाणु युद्ध तक की आ सकती है। पांचवा न्यूक्लियर फ्रंट इसराइल और ईरान के बीच खुल सकता है। अगर इन पांच मोर्चों में से किसी भी एक मोर्चे पर परमाणु युद्ध हो गया तो नतीजा बहुत ही भयावह होगा। परमाणु युद्ध हुआ तो सीधे तौर पर 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की मौत होगी, 2 अरब लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ेगा, दुनिया की आधी ओजोन परत भी खत्म हो जाएगी, धरती का एक बड़ा हिस्सा काले धुएं के आगोश में समा जाएगा, सूरज की रोशनी ठीक से धरती पर नहीं पहुंच पाएगी, दुनिया भर में मानसून पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। परमाणु बम ऐसे बम होते हैं जो न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से बहुत छोटे होने के बावजूद भी बहुत बड़े धमाके कर सकते हैं। ये बम न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फिजन यानी नाभिकीय विखंडन के फॉर्मूले पर काम करते हैं जो विस्फोट के बाद बड़ी तबाही लाते हैं। अगर परमाणु बम फटा तो दुनिया की तस्वीर पूरी तरह से बदल जाएगी। ये बम दुनिया के जिस हिस्से पर गिरेगा वो वीरान हो जाएगा, वहां की धरती बंजर हो जाएगी। अगर न्यूक्लियर वॉर हुई तो उसके आगे यूक्रेन युद्ध के ये धमाके भी बहुत छोटे साबित होंगे, क्योंकि वो धमाका इससे कई गुना बड़ा होगा, जोरदार होगा, क्योंकि न्यूक्लियर बम से बड़ा धमाका करने वाला बम अभी बना ही नहीं है। यही वजह है कयामत वाली घड़ी खतरे की घंटी बजा रही है। नवंबर में परमाणु हमले का खतरा बहुत ज्यादा है और इसी दबाव में पुतिन ने अपनी 3 लाख की नई फौज को अब तैनात करना शुरू कर दिया है। लेकिन अब यूक्रेन के दावों के बीच सवाल उठ रहा है कि पुतिन के 76,000 सैनिकों का क्या हुआ। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको युद्ध का डार्क सीक्रेट पता चलेगा। यूक्रेन में भीषण युद्ध जारी है। फौज की जान सस्ती पड़ गई है। कितनी मौत हो रही है। किसी के पास सही आंकड़े नहीं है। सिर्फ दावे ही दावे हैं। ऐसे में अब रूस की फौज को हो रहे नुकसान के बारे में ज़ेलेंस्की ने बहुत बड़ी बड़ी बातें करना शुरू कर दी। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि पुतिन अब अपने सैनिकों को मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन का युद्ध रूस की फौज के लिए मौत का कुआं बन गया है और पुतिन उसमें अपने हजारों सैनिकों की जान दांव पर लगाने के लिए तैयार है। ये ऐसा मौत का कुआं है जिसमें ज़ेलेंस्की के मुताबिक अब तक रूस के 76,000 सैनिक कूद चुके हैं और ये तादाद अभी और बढ़ेगी, क्योंकि पुतिन ने युद्ध रोकने के बजाय अपने फौजियों की मौत को चुनना बेहतर समझा है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है, खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं।
और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए, इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। Ви всі не вирішите проблему з тим одним, хто все це розпочав, хто почав цю безглузду для Росії війну проти України, вас будуть вибивати по одному, роблячи цапами. Цапами відбувайлами, щоб не визнавати, що ця війна є історичною помилкою для Росії. Юкрейн ми जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए इसमें कोई शक नहीं है कि ज़ेलेंस्की ने जो कुछ कहा उनकी कुछ बातें पुतिन के लिए बड़ा अलर्ट बनकर आई हैं। पुतिन के मौत वाले कुएं को लेकर यूरोप का मीडिया भी बहुत आक्रामक है। यूरोप की मीडिया ने भी दावा किया है कि पुतिन के कुएं में नए सैनिकों के लिए मौत है, जिन्हें पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट हैं। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं। पुतिन को भी ऐसी रिपोर्ट जरूर मिली होंगी, तभी उन्होंने ऑर्डर जारी करके कहा है कि नए फौजियों को किसी भी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। Сегодняшний день самое главное – это экипировка, подготовка, слаживание и все, что связано с тем, чтобы люди чувствовали себя уверенно, если им потребуется. Агар эси репортс мэ зара бхи сачай хэ, то е баатэ Путин ку чинта мэ дал сакти хэ. ज़ेलेंस्की साफ-साф кэх рэхэ хэ, ки Путин унко бали ка бакра бана рэхэ хэ, और वो युद्ध करेंगे तो यूक्रेन के हाथों एक के बाद एक मारे जाएंगे। ये ज़ेलेंस्की का माइंड गेम है। सवाल है कि क्या रूस के नए नवेले फौजी ज़ेलेंस्की के डराने वाले झांसे में फंस जाएंगे। पुतिन इस वक्त अपने कैंप में हर देश से मदद चाहते हैं। रिपोर्ट है कि पुतिन को उत्तर कोरिया से भी गोला बारूद मिल रहा है। जबकि ज़ेलेंस्की के बारे में कहा गया है कि तालिबान लड़ाकों की एक बड़ी फौज यूक्रेन के पक्ष में लड़ने के लिए तैयार हो गई। इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर दुनिया में दो धड़े बन चुके हैं, एक वो जो रूस के साथ है और दूसरा वो यूक्रेन या कहें कि अमेरिका के साथ है। यूक्रेन के साथ नेटो देश है तो रूस के साथ ईरान है, बेलारूस है, सीरिया है, चीन और भारत ने भी रूस का विरोध नहीं किया है। पुतिन को इस वक्त मदद चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए रूस ईरान से बड़ी मदद ले रहा है। पुतिन ने ईरान से ड्रोन भी लिए हैं और अब फतह 110 मिसाइल लेने पर कई रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन अभी कुछ पुख्ता नहीं है। लेकिन पुतिन को इस वक्त नए हथियार चाहिए। चाहे वो रूस की सेना के हों या फिर ईरान के ही क्यों ना हो। ईरान के ड्रोन को लेकर ज़ेलेंस्की बहुत गुस्से में है और वो ईरान को कतई बख्शना नहीं चाहते। Цієї доби окупанти знову застосовували іранські ударні дрони. Є збиття, але, на жаль, є і влучання. Ми розуміємо також, що держава-терорист концентрує сили і засоби для можливого повторення масованих ударів по нашій інфраструктурі, перш за все енергетичні. Зокрема, і для цього Росії знадобилися іранські ракети. Ми готуємось відповідати. ज़ेलेंस्की इस वक्त पुतिन के ताकतवर साथियों से घिर चुके हैं। इसमें चेचन कमांडर रमजान कादिरव भी है।
इसमें ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी भी हैं, इसमें बेलारूस के विक्टर लुकाशेंको भी हैं और उत्तर कोरिया के किम जोंग उन भी हैं, जिनका चक्रव्यूह बनाकर पुतिन ने यूक्रेन को फंसा दिया है। इसमें कोई शक नहीं कि रूस के सामने यूक्रेन की फौज ने बहुत दम दिखाया है, भले ही नेटो की मदद से सही, लेकिन पुतिन की बहुत बड़ी फौज से यूक्रेन की सेना लगातार लड़ रही है। पुतिन ने जरूर यूक्रेन के चार टुकड़े कर दिए हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की की फौज अब भी डटी हुई है। ऐसे में पुतिन के सामने संकट नई फौज तैयार करने का है, यानी नंबर्स किसी भी युद्ध में आंकड़े बहुत मायने रखते हैं। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा है कि उसने इस युद्ध में अब तक रूस के 76,000 सैनिक मारे हैं। ये युद्ध का नवा महीना है, यानी हर महीने पुतिन के 8 से 9 हजार सैनिक मारे जा रहे हैं। वैसे पुतिन ने अब तक जो मांगा है वो उन्हें मिला है। पुतिन ने टैंक मांगा, रूस की सेना को टैंक मिला। पुतिन ने ड्रोन मांगा, रूस की सेना को ड्रोन मिला। पुतिन ने मिसाइल मांगी, रूस की सेना को मिसाइल मिली। और जब पुतिन ने मांगे 3 लाख सैनिक, तो रूस में फौरन नई भर्ती शुरू हो गई। पुतिन ने अब तक जो मांगा है पुतिन को वो मिला है। यूक्रेन का युद्ध नवे महीने में चल रहा है, रूस बड़े पैमाने पर मिसाइल और बाकी हथियार खत्म हो रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं कि पुतिन इस वक्त हथियारों की सप्लाई को लेकर बहुत ज्यादा प्रेशर में है। यूक्रेन का दावा है कि रूस के 2,700 से ज्यादा टैंक तबाह कर दिए हैं। बख्तरबंद गाड़ियों की तादाद 5,500 से ज्यादा है। पुतिन के 1,700 से ज्यादा तोप और बाकी आर्टिलरी खत्म की जा चुकी है। ज़ेलेंस्की रूस की तरफ से दागी गई करीब 400 क्रूज मिसाइलें भी गिरा चुके हैं। ये सब आंकड़े ज़ेलेंस्की के हैं, लेकिन इसमें 50% बात भी अगर सच है तो ये पुतिन की फौज के लिए बड़े शॉक की तरह है। कुछ और आंकड़े देखिए। यूक्रेन का दावा है कि रूस के करीब 400 मल्टी रॉकेट लॉन्चर तबाह कर दिए गए हैं, 200 से ज्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी खत्म कर दिए हैं, 4,000 से ज्यादा मिलिट्री व्हीकल, 16 नेवल शिप तबाह कर दिए हैं। यूक्रेन रूस के 277 फाइटर जेट भी गिरा चुका है और उसके 250 से ज्यादा हेलीकॉप्टर भी तबाह हो चुके हैं। बड़ा सवाल ये है कि पुतिन के कुएं में कितने फौजी उतरने को तैयार होंगे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि पुतिन ने यूक्रेन में चल रहे युद्ध के लिए जिन 3 लाख फौजियों की भर्ती का ऑर्डर दिया, वो सब पुतिन के कुएं में कूदने को मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ज़ेलेंस्की ने आखिरी दम तक लड़ने का ऐलान किया है। पुतिन से अलग बाइडेन की पॉलिसी ज्यादा खतरनाक नजर आती है। अमेरिका ने अपने बहुत बड़े न्यूक्लियर अड्डे पर एक ऐसा हथियार तैनात कर दिया है जिसके बारे में न सिर्फ पुतिन जानना चाहते हैं बल्कि शी जिनपिंग भी हैरान है। ये रिपोर्ट आप देखिए और बाइडेन की परमाणु गुफा का नया सच जानिए। अमेरिका की फौज ने एक नया वीडियो जारी किया है। अमेरिका के इरादे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस वीडियो में अमेरिका ने गुआम में A-10C थंडरबोल्ट ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट की तैनाती दिखाई है। इस इशारे के साथ कि युद्ध किसी भी वक्त शुरू हो सकता है, अमेरिका की तैनाती से चीन की नींद उड़ गई है। मिसाइल और एटम बम का धौंस दिखाने वाले किम जोंग उन को टेंशन में ला दिया है।
गुआम में A-10C थंडरबोल्ट को तैनात कर अमेरिका ने एक साथ अपने दो दुश्मन देशों को साधने का प्लान बनाया है। प्रशांत महासागर के पश्चिमी हिस्से में मौजूद गुआम द्वीप से उत्तर कोरिया की दूरी 3430 किलोमीटर है, वहीं चीन गुआम से 4747 किलोमीटर है। ऐसे में अगर किम की सेना या फिर श्री जिनपिंग की PLA अगर कुछ भी हिमाकत करती है तो उसे अमेरिका मुंहतोड़ जवाब देगा, ये अमेरिका के फाइटर बॉम्बर लगातार बता रहे हैं। और इशारों ही इशारों में अमेरिका ने धमकी अब सीधे चीन तक पहुंचा दी है। गुआम बेस को अमेरिका का दिल कहा जाता है। अगर चीन ताइवान पर हमला करता है या फिर अमेरिका से युद्ध छेड़ता है तो ताइवान के गुआम बेस का सबसे बड़ा रोल होगा। उसी बेस से अमेरिका चीन को दहलाएगा। साथ ही साथ उत्तर कोरिया को भी चुनौती देगा। गुआम एयरबेस पर A-10 थंडरबोल्ट की तैनाती पर अमेरिका ने बयान दिया कि यह एक रूटीन एक्सरसाइज है, लेकिन इसे उत्तर कोरिया की अमेरिका और दक्षिण कोरिया को दी गई धमकी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। किम ने केवल धमकी नहीं दी बल्कि कुछ घंटों बाद 20 मिसाइलों का भी परीक्षण किया। लेकिन A-10 से थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान की गुआम एयरबेस पर तैनाती की सबसे बड़ी वजह चीन है, जो समंदर में लगातार अमेरिका के सर का दर्द बना हुआ है। अमेरिका के गुआम पर ड्रैगन सेना अरसे से गिद्ध दृष्टि जमा रखी है, आए दिन अमेरिका को धमकाता रहता है। गुआम पर चीन की नई धमकी भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले गुआम पर A-10C थंडरबोल्ट की तैनाती के असल मायने समझ लीजिए। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि अमेरिका ने गुआम बेस पर कुल कितने A-10C थंडरबोल्ट तैनात किए हैं, लेकिन जिस तस्वीर ने चीन के साथ साथ किम की भी परेशानी बढ़ा दी है उसमें 4 विमान दिखाई दे रहे हैं। इस प्लेन को देखिए, जितनी अनोखी इसकी बनावट है उससे भी कहीं ज्यादा एडवांस इसमें लगे हथियार हैं। सबसे किनारे पर यह है पॉड, ये दुश्मन पर सटीक निशाना लगाने में माहिर है। बस एक बार टारगेट सेट हो गया तो समझिए दुश्मन का बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। उसके बगल में है रॉकेट पॉड जो 70 मिलीमीटर के रॉकेट दागता है, यही रॉकेट अपाचे में भी लगा हुआ है। रॉकेट के साथ ही इसमें लेजर इंस्टॉल है जो टारगेट सेट करता है और फिर बम ठीक उसी निशाने पर गिरता है और सब कुछ तबाह कर देता है। A-10C थंडरबोल्ट GPS सिस्टम से भी लैस है। ये एयर टू एयर अटैक करने वाली पायथन मिसाइल भी लोडेड होता है, लेकिन इसका सबसे खास हथियार बीच में लगी 30 mm की गन है जो टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह कर देती है। A-10C थंडरबोल्ट लड़ाकू विमान कम ऊंचाई पर जंग लड़ने में माहिर है। बिल्कुल नजदीक से दुश्मन के टैंक, बख्तरबंद गाड़ियों और तोपों को उड़ा सकते हैं। A-10C थंडरबोल्ट 300 मीटर की ऊंचाई से अटैक कर सकता है। ये सिर्फ 560 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़कर दुश्मन पर निशाना साध सकता है, जो किसी दूसरे लड़ाकू विमान की स्पीड के मुकाबले कम है। A-10C थंडरबोल्ट की खासियत उसे जमीन पर हमले के लिए बेहतर लड़ाकू विमान बनाता है। इससे पहले अमेरिका गुआम में अपने B-52 बॉम्बर भी तैनात कर चुका है, क्योंकि चीन और किम कब क्या कर दे किसी को नहीं पता। और गुआम एयरबेस कोई मामूली जगह नहीं है, ये अमेरिका के हथियारों का कारखाना है। गुआम के नाम धमकी भरा पैगाम देकर चीन बाइडेन की माथे की लकीरों को बढ़ा चुका है। इस सैन्य टापू को चीन अपना बहुत बड़ा टारगेट बताकर सनसनी मचा चुका है। चीन की ये धमकी चीन के सरकार का भोपू कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स में छपी।
ग्लोबल टाइम्स में एक एडिटोरियल में लिखा गया, अमेरिका अपने गुआम नौसैनिक अड्डे के एयर और मिसाइल डिफेंस को अपग्रेड कर रहा है। अमेरिका किस स्टैंड से चीन बौखलाया हुआ है, उसे डर है कि इन सिस्टम को अपग्रेड करने की आड़ में एक बहुत बड़े खुफिया प्लान को आगे बढ़ा रहा है। आशंका जाहिर की गई कि अमेरिका गुआम के नजदीक के इलाकों में कई शक्तिशाली रडार स्टेशन तैयार कर सकता है। ये रडार चीन की नौसैनिक गतिविधियों पर नजर रखने के अलावा जमीन पर भी चीन की सेना के मूवमेंट को ट्रैक कर सकेंगे। अगर ऐसा हुआ तो चीन की सेना के हर हलचल पर अमेरिका की नजर रहेगी और इसका साइड इफेक्ट ये होगा कि चीन चाहकर भी अमेरिका के खिलाफ कुछ बड़ा मिलिट्री एक्शन नहीं कर पाएगा। प्रशांत महासागर में मौजूद छोटे से द्वीप गुआम पर अमेरिका की सेना अपनी अहम रणनीतिक मौजूदगी रखती है। ग्लोबल टाइम्स में छपी खबर के मुताबिक गुआम समेत अमेरिका के कई सैन्य ठिकाने चीन के हमले की जद में हैं। यानी चीन ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो अमेरिका की ताकत के आगे झुकने वाला नहीं। ग्लोबल टाइम्स में छपे लेख में ये दावा किया गया है कि अमेरिका जानबूझकर ऐसे हालात पैदा कर रहा है जिससे जंग छिड़ जाए। चीन ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर अमेरिका ने मजबूर किया तो वो चुपके से हमला नहीं करेगा, बल्कि पूरी दुनिया के सामने ऐलान करके उसके सैन्य ठिकानों को निशाना बनाएगा। गुआम को लेकर अपनी धमकी में चीन ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान नेवल बेस पर्ल हार्बर पर हमले का जिक्र किया है। दरअसल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जापान ने चुपके से हमला करके पर्ल हार्बर को तबाह कर दिया था। उसी घटना को याद दिलाते हुए चीन ने ताल ठोकी कि गुआम पर्ल हार्बर नहीं है और चीन जापान नहीं है। मतलब ये कि उसने अमेरिका को बड़ी चुनौती दी कि वो उसके गुआम बेस को चुपके से निशाना नहीं बनाएगा, बल्कि खुल्लम खुल्ला धावा बोलेगा। गुआम से अमेरिका की सेना न केवल प्रशांत महासागर में चीन और उत्तर कोरिया की हरकतों पर नजर रखती है, बल्कि उन्हें मुंहतोड़ जवाब देने और जंग की सूरत में नेवल ब्लॉकेज लगाने में बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। खास तौर पर गुआम नौसैनिक अड्डे पर अमेरिका ने जिस तरह से खतरनाक हथियार जमा कर रखे हैं, उसने चीन की नींद उड़ा दी है। गुआम में अमेरिकी वायुसेना और नौसैनिक के 7,000 पायलट और मरीन कमांडो मौजूद हैं। गुआम में अमेरिकी नौसेना की कई पनडुब्बियां तैनात हैं, मसलन यूएसएस शिकागो, यूएसएस की वेस्ट, यूएसएस ओकोहोमा सिटी, यूएसएस टॉपिका, यूएसएस फ्रैंक कैबल, यूएसएस एम्ब्रॉय एस लैंड और यूएसएस डियागो ग्रासिया। इसके अलावा गुआम में अमेरिकी वायुसेना के B-52 और दूसरे फाइटर जेट्स की स्क्वाड्रन मौजूद है। अमेरिका जब चाहे उस वक्त गुआम के अपने बेस से चीन के किसी भी शहर या सैनिक अड्डे को निशाना बना सकता है। माना जाता है कि गुआम बेस में अमेरिका का सबसे ज्यादा गोला बारूद रखा है। वहां के समुद्री तटों पर परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां तैनात हैं। इस द्वीप पर करीब 6,000 अमेरिकी सैनिक भी तैनात हैं। खास बात यह है कि इस जगह से अमेरिका चीन पर नजर बनाए रखने के साथ प्रशांत महासागर में अपना दबदबा कायम रख सकता है। साथ ही गुआम नौसैनिक अड्डे से वो दक्षिण चीन सागर में तैनात अपने सातवें बेड़े की मदद भी कर पाता है। यही नहीं, चीन के हमला करने पर इस बेस से करीब 2700 किलोमीटर दूर ताइवान की भी वो आसानी से मदद कर सकता है। कहा जाता है कि इन्हीं वजहों से गुआम नेवल बेस चीन की नजर में खटकता है। चीन के DF-26 को मारक क्षमता की वजह से गुआम किलर मिसाइल कहते हैं। चीन ने साल 2015 में सैन्य परेड में पहली बार DF-26 का प्रदर्शन किया। चीन के पास करीब 80 DF-26 मिसाइल लॉन्चर हैं, जिनमें 160 मिसाइलें हैं। 4,000 किलोमीटर दूर तक लक्ष्य भेदने वाली इस मिसाइल से चीन के करीब
गुआम में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डे को निशाना बनाना आसान है। वहीं इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइलों के मामले में भी चीन खुद को भारी समझता है। चीन के DF-41 मिसाइल की रेंज 12,000 से 15,000 किलोमीटर तक है। ये बीजिंग से लॉन्च होकर 11,139 किलोमीटर दूर वाशिंगटन DC को दहला सकता है।